नमस्कार दोस्तों, कैफे ओरेंजो में आप सभी का स्वागत है। तो जब घर में कोई सब्जी बनाने का मन नहीं करे या नहीं रहे तो झटपट शाही पनीर बना लेंगे। तो आइए देखते हैं हम शाही पनीर बनाने का तरीका कि हम कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, 400 ग्राम पनीर है, घर का बना हुआ पनीर है। इसको हम क्यूब में कट कर लिए हैं। शाही पनीर है तो तेल में तो बनाएंगे नहीं। घी है 2 बड़े चम्मच, 2 बड़े चम्मच बटर, आधी छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा, दालचीनी 1 टुकड़ा और 4-5 हरी इलायची, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, घर का बना हुआ मलाई है 2 बड़े चम्मच और 1 कप दूध, 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 2 प्याज बारीक कटा हुआ, 1 हरा मिर्चा, 15 से 20 काजू और 4 टमाटर, सबको हम काट लिए हैं। तो चलिए बनाना हम शुरू करते हैं शाही पनीर की सब्जी। गैस पर एक पैन चढ़ाए हैं, पैन गर्म हो गया है, उसमें हम घी डाल देते हैं। आप चाहें तो तेल में भी बना सकते हैं, आप बटर की जगह दही भी डाल सकते हैं। तो घी मेल्ट हो गया है, अब इसमें हम एक तेज पत्ता डाल देते हैं, जीरा, हरी इलायची, दालचीनी, इसका खुशबू बहुत ही अच्छा आएगा। सबको हम तड़कने देते हैं, फिर ग्राइंड करते समय हम तेज पत्ता निकाल लेंगे। अब इसमें हम प्याज डाल देते हैं, प्याज थोड़ा सा नरम होगा तो फिर इसमें हम टमाटर डालेंगे। प्याज थोड़ा नरम हो गया है, अब इसमें हम टमाटर डाल देते हैं। देखिए खुशबू बहुत अच्छा आ रहा है, इसको घी में बन रहा है और साबुत खड़ा मसाला का स्वाद भी अलग है। इसमें हम नमक और लहसुन दोनों डाल देते हैं, ये भी साथ में फ्राई होगा। इसको हम ढक देते हैं, ढक के पकाने से 5 मिनट में प्याज भुंजा के तैयार हो जाएगा। अब हम इसको देखते हैं, टमाटर गल गया है, टमाटर प्याज बिल्कुल गल गया है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ठंडा करके इसको हम मिक्सर में ग्राइंड कर लेते हैं, तब तक मसाला ठंडा हो रहा है, हम इसे ग्राइंड करके तब बनाएंगे। हम दूसरा कढ़ाई चढ़ाए हैं, सारे मसाला हम इसमें पीस लिए हैं। अब इसमें हम ये बटर है इसको डाल देते हैं। बटर को अच्छे तरीके से पिघलने देते हैं। बटर पिघल चुका है, जो बचा हुआ जीरा है उसको हम इसमें डाल देते हैं।
जीरा चटक गया, अब इसमें हम लाल मिर्च का पाउडर डाल देते हैं, इसको अच्छे तरीके से चला देते हैं। अब इसमें हम तुरंत ये जो पीसे हैं इसको भी डाल देते हैं। इसी में धनिया पाउडर डाल देते हैं, ये हल्दी पाउडर, इसको भी हम धो के थोड़ा सा डाल देते हैं। इसमें हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई होने देते हैं। ये जो रखे हैं हम मलाई, इसको भी हम इसमें डाल देते हैं, सब साथ में अच्छे तरीके से फ्राई होगा। ये देखिए इसका ग्रेवी एकदम शाही लग रहा है। आप चाहें तो कच्चा प्याज टमाटर भी पीस के डालें, लेकिन ये देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी इसका स्वाद अलग लगता है। तो इसको हम पकने देते हैं। मसाला भी अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है। अब इसमें हम एक कप दूध रखे हैं, इसको डाल देते हैं। दूध डाल के आप लगातार चलाते रहिए और गैस का फ्लेम तेज रखिए ताकि दूध फटे नहीं। इसको एक उबाल आने तक चलाते रहना है। दूध में उबाल आ गया है, अब इसमें हम पनीर डाल देते हैं। चूँकि शाही पनीर बना रहे हैं तो पनीर फ्राई नहीं करना है। इसमें हम सारे पनीर को डाल देते हैं ग्रेवी में। थोड़ा सा इसमें भी पनीर फ्राई होगा तभी मसाला इसमें अंदर तक जाएगा। पनीर को इसमें हम 5 मिनट तक पकने देते हैं। तो ये शाही पनीर बन के तैयार हो गया है। अब इसमें हम थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल देते हैं। अब गैस को बंद कर देते हैं। अब हम इसको प्लेट में निकाल के दिखाते हैं। तो ये शाही पनीर बन के तैयार हो गया है और ये देखिए कितना बढ़िया बना है और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। बहुत जल्द बन के तैयार हो गया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट करना ना भूलें। फिर मैं अगले व्यंजन के साथ मिलूँगी। धन्यवाद। इसका हम आपको दिखाते हैं ये कितना ही बढ़िया बना है। देखिए ये कितना ही बढ़िया बना है। इसके साथ आप 2 रोटी ज़्यादा भी खा लेंगे।